मॉर्निंग स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी विल रीड चैप्टर नंबर 3, ए ग्लास ऑफ मिल्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वंस देयर लिव्ड ए पुअर बॉय। एक बार एक गरीब लड़का, पुअर बॉय मतलब गरीब लड़का रहता था। ही अर्न्स हिज लिविंग विद सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स डोर टू डोर टू पे फॉर हिज स्कूल फीस। वह लड़का लोगों के घर घर जाकर अलग अलग चीजें बेचता था ताकि अपने स्कूल की फीस दे सके। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री। एक दिन वह बहुत भूखा था, हंग्री मतलब भूखा। And felt he could not walk even a few steps. और उसे लगा, felt उसे लगा कि वो कुछ कदम, few steps मतलब कुछ कदम भी नहीं चल पाएगा। He could not walk even a few steps. He decided to ask for food at a house. उसने एक घर से खाना लेने का निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय लेना। ही नॉक्ड द डोर एंड वाज स्टंड टू सी अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल एट द डोर स्टेप। उसने दरवाजा खटखटाया, नॉक मतलब खटखटाना, डोर नॉक किया, दरवाजा खटखटाया और हैरान हो गया एक खूबसूरत यंग गर्ल को, यानी जवान लड़की को देखकर। दरवाजे पे एक जवान लड़की को देख के हैरान, स्टंड मतलब हैरान रह गया। With so much hesitation, in spite of his hunger, he asked the girl to offer a glass of water. बहुत ही हिचकिचाहट, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, भूख को साइड में रख मतलब हटा के, भूख को हटा के वो उस लड़की से एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास मांगता है, बहुत ही हिचकिचाहट के साथ। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज हंगर थ्रू हिज आइज एंड ऑफर्ड हिम मिल्क इन अ ह्यूज ग्लास। जो वो लड़की होती है वो उस लड़के की आंखों में, उसकी आंखों में देखकर उसकी भूख का, हंगर भूख का पता लगा लेती है, अंडरस्टूड पहचान लेती है, जान जाती है, और उसे एक बड़े ग्लास में, ह्यूज मतलब बड़ा, बड़े ग्लास में दूध ऑफर करती है, ऑफर करना मतलब देती है। विथ सरप्राइज्ड लुक ही ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली। बहुत ही आश्चर्य के साथ, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, बहुत ही सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ वह धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे दूध पी लेता है, ड्रंक मतलब पी लेना। ही आस्क्ड हाउ मच आई ओ यू फॉर दिस मिल्क। वह पूछता है कि उसे इस दूध के कितना चुकाना, वो मतलब चुकाना, एहसान चुकाना होता है, होगा। हाउ मच आई ओ यू फॉर दिस मिल्क। द गर्ल रिप्लाइड आई डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर काइंडनेस। जो लड़की उसे कहती है, उसे जवाब में कहती है कि वह अपने अच्छे काम के लिए कुछ भी एक्सेप्ट, स्वीकार, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं करेगी। With big smile on his face, the boy with big smile on his face, अपने चेहरे पे बड़ी मुस्कान के साथ, smile मतलब मुस्कुराहट के साथ, the boy thanked the girl and left the place. जो लड़का होता है वो लड़की को thank, धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। Years passed away, साल गुजर जाते हैं, काफी साल गुजर जाते हैं। Once the young girl fell seriously ill, एक बार
वो यंग गर्ल जो है काफी बीमार पड़ जाती है। मैनी डॉक्टर्स वर ट्राइंग टू क्योर हर बट ऑल इज वेन। मैनी डॉक्टर्स, काफी सारे डॉक्टर्स उसे क्योर, क्योर मतलब ठीक करने की कोशिश, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, पर सब कुछ व्यर्थ जा रहा था। वेन मतलब व्यर्थ जाना। देन शी वाज टेकन टू ए बिग हॉस्पिटल। इसके बाद उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। देयर वर ए रिनोम्ड डॉक्टर हुज नेम वाज डॉक्टर केविन। वहां पे एक नए डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर केविन। ही गेव ए विजिट टू द हॉस्पिटल वेयर शी वाज एडमिटेड। डॉक्टर केविन उस हॉस्पिटल में गए, विजिट टू द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में गए जहां पे वो लड़की एडमिट थी, यानी उसे एडमिट किया गया था। एज ही एंटर्ड हर रूम, जैसे ही वह उसके कमरे में गए, कौन गए, डॉक्टर केविन, डॉक्टर केविन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज दैट वुमेन। उन्होंने जैसे ही वो उसके कमरे में, यानी उस लड़की के कमरे में गए, तभी डॉक्टर केविन ने इमीडिएटली मतलब उसी वक्त तभी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना, उस लड़की को पहचान लिया। जैसे ही वो उस लड़की के कमरे में गए, उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। देयर वॉज ए टीयर इन हिज आईज, उनकी आंखों में, किनकी, डॉक्टर केविन की आंखों में आंसू थे। विद ऑल हिज एफर्ट्स एंड नॉलेज डॉक्टर केविन बैटल्ड हार्डली विद द डिजीज फॉर वीक्स एंड मंथ्स। अपने बहुत ही मेहनत के साथ और एफर्ट्स और नॉलेज के साथ, नॉलेज मतलब ज्ञान के साथ, डॉक्टर केविन ने उस डिजीज को हफ्तों और महीनों में बैटल करी, मतलब लड़ा उनसे, बैटल लड़ना होता है यानी ठीक करा उसे। एट लास्ट ही वॉन ओवर द डिजीज, एट लास्ट अंत में ही वॉन, वह जीत गए किस पे, डिजीज पे। एंड द वूमेन वॉज कम्प्लीटली क्योर, यानी जो वो लड़की थी वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योर मतलब ठीक हो जाना, काफी मेहनत के बाद, महीनों और हफ्तों और महीनों के बाद डॉक्टर केविन ने उस लड़की को ठीक कर दिया। एवरीवन प्रेज द डॉक्टर, सभी ने डॉक्टर को बहुत, सभी ने डॉक्टर को काफी प्रेज किया, यानी कि उन्हें बढ़ावा दिया, ऑनर दिया, सम्मान। व्हाइल द वुमेन वाज क्वाइट अफ्रेड अबाउट द हॉस्पिटल बिल्स एज शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे। जबकि सभी लोग जो डॉक्टर्स को सम्मान दे रहे थे उस वक्त, व्हाइल, जबकि वो लड़की हॉस्पिटल के बिल को लेके परेशान थी, डरी हुई थी, क्योंकि वह कुड नॉट अफोर्ड करना टू पे, क्योंकि वह उस बिल को पे करने की क्षमता नहीं रखती थी। डॉक्टर केविन आस्क्ड द हॉस्पिटल टू सेंड द बिल टू हिम। डॉक्टर केविन ने हॉस्पिटल से कहा, हॉस्पिटल वालों से कहा कि वह अपना बिल उन्हें भेज दे, जो हॉस्पिटल का जो भी बिल है वो डॉक्टर केविन को भेज दें। आफ्टर रिसीविंग द हॉस्पिटल बिल ही रोट ए नोट एंड सेंड इट टू द वुमेन। हॉस्पिटल का बिल मिलने के बाद वह कौन, डॉक्टर केविन, एक नोट लिखते हैं, यानी कि चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं और उसे लड़की को भेज देते हैं। विद लॉट्स ऑफ फियर शी ओपन द बिल एंड हैड नो आइडिया
हाउ मच शी वाज चार्ज. बहुत ही डर के साथ, फियर मतलब डर, डर के साथ वह उस बिल को खोलती है और उसे कोई आइडिया, कोई कुछ पता नहीं होता है कि उसमें उसका चार्ज यानी उसके कितने पैसे हो गए होंगे, उसका बिल कितना हो गया होगा. हर आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड हैप्पीनेस वन शी ओपन द बिल. लड़की की, हर मतलब उस लड़की की आंखों में आंसू भी होते हैं और खुशी भी होती है जैसे ही वो उस बिल को खोलती है. जैसे ही लड़की बिल खोलती है उसकी आंखों में आंसू और खुशी भर जाती है. She found the bill cancelled. वह लड़की उस बिल को कैंसिल यानी कि उसका बिल कैंसिल कर दिया गया पाती है. Her happiness had no bounds. उसकी खुशी का, happiness खुशी का कोई ठिकाना, bounds मतलब ठिकाना नहीं होता. When she read the lines on the bill, जब वह उस बिल के ऊपर लिखी हुई लाइनों को पढ़ती है, उन वाक्यों को पढ़ती है. बिल पेड मैनी ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. जो उसमें लिखा होता है कि जो बिल है वो काफी सालों पहले एक ग्लास दूध से भर दिया गया है. यानी कि इस कहानी से आप क्या समझे कि उस लड़की की अच्छाई ने उसका जो उसे अपने मुश्किल वक्त में सहायता मिली. यानी कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए. तो आज की क्लास में इतना ही. योर होमवर्क इज टू रीड चैप्टर नंबर 3 अ ग्लास ऑफ मिल्क. विल सी यू टुमारो.